नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कंटिन्यूअस बच्चों की इंक्वायरीज आ रही थी कि सर प्लीज बीएचयू बीएलएलबी के कट ऑफ की वीडियो आप नहीं बना रहे हो, आप हर कोर्स का कट ऑफ दे चुके लेकिन बीएलएलबी पे आप तो ध्यान दे ही नहीं रहे हो। तो फाइनली आज है बीएचयू बीएलएलबी 2022 जो कि सीयूटी के अंतर्गत एग्जाम हुआ था उसके कट ऑफ एनालिसिस का वीडियो। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उन तमाम बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा जो वीडियो में समझाया जाएगा। आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, यदि आपका सिलेक्शन इस कोर्स में नहीं होता है तो आप दुखी मत होना, क्योंकि वो आपकी गलती नहीं है, ये गलती है हमारे शिक्षा विभाग के, हमारे एजुकेशन सिस्टम का। क्योंकि जब कोई यूनिवर्सिटी बनाई जाती है और उसमें कोई कोर्स इंप्लीमेंट किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें की जो सीट है वो भी थोड़ा अच्छा रखा जाए। अब भाई इस कोर्स में बीएचयू में ओनली 72 सीट्स रखी गई है, उसमें भी पेड सीट नहीं अवेलेबल है। तो भाई आपका अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आप अपने टैलेंट को ज़्यादा नहीं खोज सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे जो बच्चे हैं जो एग्जाम देते हैं आप देखोगे कि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है। इवन मेरे यहाँ जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो कोर्स ज्वाइन करते हैं, मैं देखा हूँ कि जो बीएलएलबी बच्चे हैं वो बीए आर्ट्स वालों से ज़्यादा नंबर ले आते हैं और ज़्यादा अच्छा मार्क्स हो जाता है, ज़्यादा अच्छा उनका रिजल्ट होता है। तो मैं अक्सर पूछता हूँ कि अगर तुम बीएलएलबी में की जगह पे बीए आर्ट्स भी फिलअप किए होते तो आज उस कोर्स के तुम टॉपर होते, ऐसा होता है? बहरहाल मैं आपको इस वीडियो में अब बताता हूँ कि आखिर इस बार का जो कट ऑफ है वो कितना अप डाउन हो सकता है, ठीक है? तो प्लीज़ हर बात को समझना, और फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, समझ लो पहले एक बात, इधर आ जाओ, सब आ जाओ। जो बीएचयू का बीएलएलबी कोर्स है इसमें सीटें कम हैं, तो खुद को मत दोष देना, खुद को कोसना मत, और हाँ हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज में भी इस कोर्स की सीटें हैं। और खुद को पहचानो और देखो कि आप बीएलएलबी के अलावा कहाँ पे जाके अपने आप को स्टेबल कर सकते हो। कई बार बच्चों को लगता है कि सर हम क्या लास्ट में बाद में 3 ईयर्स एलएलबी कर सकते हैं, ऐसा भी है, आप बीए ही कर लो और बाद में आप फिर एलएलबी 3 ईयर्स कर लेना। तो कहने का मतलब ये है कि बेस्ट ऑप्शन अपना देख लेना जिससे कि आपको मुनाफा हो जाए, फायदा हो जाए, आप भविष्य अपना स्वर्णिम बना सको। तो कुल मिला के मैं नहीं चाहता कि आगे आप वीडियोज में जानने के बाद बातों को दुखी हो। अलग अलग यूनिवर्सिटी में इस कोर्स की सीटें हैं, जैसे आप अगर इलाहाबाद में जाते हो तो वहां पे मुझे लग रहा है कम से कम 500 सीटें एफिलेटेड मिला के, तो वहां पे भी आप ट्राई कर सकते हो। आप वहां का रजिस्ट्रेशन चालू है, वहां का रजिस्ट्रेशन आप फिलअप कर दो, अभी करेक्शन आ जाएगा, वहां पे आप करेक्शन करके अपना कोर्स ऐड कर लेना। तो इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्लीज मुस्कुराते रहना या टेंशन मत होना। मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ तो मैं एक मैसेज देता हूँ कि मुस्कुराते रहो, टेंशन मत लेना। बाकी बीएचयू पाठशाला पे कोर्स स्टार्ट हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, नेम कोर्स लिख के भेज देना, आपको डिटेल मिल जाएगा, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग 100K का टारगेट लेके चल रहे हैं और बीएचयू पाठशाला का बहुत जल्द 70 कंप्लीट होने वाला है। तो आप लोग अगर शेयर करोगे तो अपने आप हो जाएगा। बेसिक इंट्रोडक्शन में यही है कि यहाँ पे जो सीट्स है 72 है, ओनली FMC यानी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में है, नोट्स पेड सीट यानी पेड सीट नहीं है। CUET के अंतर्गत यहाँ पे एग्जाम हुआ था जिसमें लैंग्वेज के 40 क्वेश्चंस, लेकिन जो इफेक्टिव वैल्यू है वो 50% ऑफ योर लैंग्वेज, समझ में आ रहा है? जैसे आप पाते हो 160 तो 160 का आधा, तो 8 × 16 यानी 80 मार्क्स ही आपका ऐड होगा। 40 है आपका डोमेन यानी लीगल का और 60 क्वेश्चन है आपका GT, ये ओवरऑल आपका जो है एलिजिबिलिटी को बताता है, जिसके लिए टाइम दिया गया था 2.5 घंटा। अब हम लोग आते हैं 2021 में जो इसका एक डेटा रहा है वो रहा है 150 क्वेश्चन का, आप लोग के टाइम पे 140 क्वेश्चन, टोटल 600, इस बार भी 600 हो जाएगा। वैसे पेपर आपने दिया था 700 का, लेकिन बीएचयू के लिए जो इफेक्टिव वैल्यू है 600 ही है, क्योंकि लैंग्वेज का 50% ही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर का एग्जाम हुआ करता था 2021 में, लेकिन आप लोग का 5 नंबर का है। टोटल टाइम आप लोग को 2.5 घंटा मिला, इन लोग को 2 घंटा ही मिला था। सिलेक्शन परसेंटेज जो है उसमें 76% था, जो सिलेक्शन के लिए जो नीडेड क्वेश्चंस थे वो 114 थे। लेकिन अभी आपकी बात करें तो मैंने 500+ लिखा है, लेकिन आइए हम लोग कैटेगरी वाइज जानते हैं, ठीक है? वो जानने से पहले हम लोग एक मेथोडोलॉजी को समझते हैं जो कि एक वोट पोल के थ्रू YouTube कम्युनिटी में कराया गया था। लगभग 1300 लोगों ने इसमें वोट किया है
और इस 1300 लोगों में 530 से ज्यादा 23% के साथ 299 लोगों ने वोट डाला है। अगर मैं इसको 50% भी सही मानता हूं तो आपकी सीटें यही खत्म हो जाती हैं, 50% भी सही मानता हूं तो। उसके बाद 500 से ज्यादा 130, 480 से ज्यादा 117 और 450 से ज्यादा लगभग 57%, यानी 1350 का, इस 1300 का आधे से भी ज्यादा लोग जो है यहाँ पे वोट डाले हुए हैं। अब हम लोग कैटेगरी वाइज समझते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2022 का जो कट ऑफ एनालिसिस है, 2021 में जो मैं प्रिडिक्शन किया था वो इस तरीके से किया था, ऑफिशियल डेटा इस तरीके से आया, लेकिन ये ऑफिशियल डेटा का जो कॉलिंग, ये कॉलिंग है, ये बात यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये कॉलिंग डेटा है, ठीक है। कॉलिंग डेटा क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ, ये कॉलिंग डेटा है, ठीक है। कॉलिंग डेटा का मतलब होता है कि एक सीट पे 3 लोग को बुलाया गया था तब ये कम दिख रहा है। यदि मैं फिक्स की बात करूं, क्योंकि इस बार आपकी कॉलिंग नहीं हुई है, सीधे रजिस्ट्रेशन हो गया है और रजिस्ट्रेशन ही आपकी कॉलिंग है, तो जिन बच्चों ने भी बीएचयू के बीएलएलबी में अपना रजिस्ट्रेशन डाला वो डायरेक्टली अब उनका कोर्स लोकेशन जाने के बाद उनका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई कॉलिंग जैसी प्रोसेस को यहाँ पे स्किप कर दिया गया है। तो ऐसे में ये जो डिटेल दिख रहा है कि 470 पे फर्स्ट रैंक था, यहाँ पे तो सीधे आप अगर इस डेटा को देखो तो इस बार जो फर्स्ट रैंक है वो सीधे 530 से भी ज्यादा हो सकता है, और ये जाहिर सी बात है क्योंकि 530 से ज्यादा तो मेरे यहाँ ही बच्चे निकाले हुए। तो ऐसे में ये जो वैल्यू है ये कुछ हद तक सही भी है। अब बात करते हैं कि बाकी का, अब 12वां रैंक जो है वो 443 पे है, तो मान के चलता हूं कि 470 से लेके 443 के बीच में जनरल के 112 लोग को बुला लिया गया, ठीक है। अगर हम लोग इसको अब इस डेटा पे रखते हैं, ठीक है, इस बार के डेटा पे रखते हैं अगर जनरल ओबीसी के लिए, ठीक है, इसको स्किप कर दो, 21 वाले को छोड़ दो, तो वो लगभग मान के चलो कि 530 से प्लस में ही जनरल को बुलाया जाएगा, जहां तक मेरे को चांसेस है जनरल के लिए। बाकी ईडब्ल्यूएस ओबीसी की जो कॉलिंग होगी वो घट सकती है, वो घट के मान के चलो कि इसमें आपके 20 मार्क्स जो है वो डिक्रीज हो सकते हैं, और एससी और एसटी का कुछ ज्यादा ही हो सकता है। एसटी वाले अगर बच्चे जो हैं उनका तो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि देखो इनका जो फर्स्ट रैंक था वो 443 पे था, ठीक है, फर्स्ट रैंक 443 पे था, रिजर्वेशन इनका शायद 7% है, तो इनकी जो सीटें निकल के आएंगी लगभग 5-6 सीटें आराम से आ जाएंगी, तो इनके लिए कम हो सकता है। बाकी इसमें गर्ल्स का रिजर्वेशन 33% है, तो ओवरऑल इसमें जो कैलकुलेशन है ना बहुत एग्जैक्ट नहीं निकाल पाऊंगा मैं, क्योंकि सीटें बहुत कम है, उसको कैलकुलेट करना, एग्जैक्ट बताना, इट्स रियली हार्ड। सो प्लीज मैं यहाँ पे एक बात आपको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू लिख के बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग वो नहीं कि आप लोग उम्मीद छोड़ देना, ये नहीं कि आप लोग ये समझ लो कि मेरा नहीं होगा, ठीक है। तो वो वैल्यू जो है वो 500 प्लस वाले उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था यहाँ पे, ठीक है, 500 प्लस वाले जो है वो उम्मीद कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो। बाकी एसटी वालों को मैं फिर से इन्फॉर्म कर रहा हूं कि आप लोग की कम जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, एससी का भी कम जा सकता है, कोई डाउट नहीं है, ईडब्ल्यूएस का भी कम जा सकता है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन जनरल का कम नहीं जाएगा, ओबीसी का भी कम जाने के चांसेस नहीं दिख रहे, क्योंकि ओबीसी में बहुत सारे ऐसे जो बच्चे हैं जैसे ओबीसी का टॉपर भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा रहा एक दो बार, तो ऐसे में थोड़ा सा डाउट है मुझे। तो इतना समझ लो कि अगर आपके पास अदर ऑप्शंस हैं तो आप प्लीज उस ऑप्शन के साथ भी जाएं, और एक बात यहाँ पे फिर उसके बाद बता रहा हूँ क्या होने वाला है। जब बच्चे दूसरे ऑप्शन की साइड जाते हैं तो हो सकता है कि जिन बच्चों की उम्मीद नहीं है इसमें उनको सीट मिल जाए, तो ये कहने का मतलब है कि अगर आप ज्यादा कम में हो, सपोज कि आप इस कैटेगरी में आते हो, ठीक है, जैसे आप इस कैटेगरी में आते हो 450 प्लस वाले में 57, तो इसमें तो आपको पहले ही समझ जाना चाहिए कि इसमें आपके चांसेस नहीं है बीएचयू में होने का, क्योंकि भाई 72 सीट्स में अगर आप बस ऊपर देखें तो ही सिलेक्शन खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में इससे नीचे वाले बच्चों को तो उम्मीद नहीं करना चाहिए, हाँ, लेकिन कुछ कैटेगरी के बच्चों को कर सकते हो, जैसे पीएच का बच्चा है यानी फिजिकली हैंडीकैप, तो उनका रिजर्वेशन होता है, वो उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनके यहाँ फॉर्म पड़ा ही ना हो। एसटी का बच्चा उम्मीद कर सकता है, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता है। तो फाइनली 2 डेज में आपका रिजल्ट भी अनाउंस होने वाला है, तो आप लोग इंतजार करो, मुस्कुराते रहो, बीएचयू पाठशाला का हर एक वीडियोस देखो। उम्मीद करता हूँ कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिले कमिंग डेज में बीएचयू यूनिवर्सिटी से, और
मैं भी आपको सजेशंस देता रहूँगा, अलग अलग यूनिवर्सिटी का भी बहुत सारे रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। BBAU का फाइनली देखो आ चुका है फर्स्ट कट ऑफ राउंड का, आप वहाँ पे अपनी काउंसलिंग देख लो, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप वहाँ पे अपना सिलेक्शन करा लो। इस तरीके से जगह जगह पे अपने अपने आप को फिक्स कर लो, ठीक है, जिससे कि दूसरे बच्चों को भी प्रॉफिट हो सके और आप भी अपना तन्मयता के साथ कहीं पढ़ाई कर सको। तो फाइनली आपका टारगेट होना चाहिए कि कोई अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिल जाए और आप वहाँ पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है। बैठने से अच्छा है कि पढ़ाई शुरू कर दोगे, ज़्यादा च्वाइसेस के चक्कर में पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपको ना भी मिले, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। बाकी होपफुली मैं आपको हर एक बात बताता हूँ, बताता रहूँगा। और बीच पार्सल सब्सक्राइब करना, जिनको भी कोर्स ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उस पर व्हाट्सअप करके आप कोर्स का डिटेलिंग ले सकते हो। हर हर महादेव, मुस्कुराते रहिए।